आज जो टॉपिक है वह है आपका आयु खंड। आज हम बात करेंगे किस आयु में आप जाते हैं और कौन सी आयु जो है आपकी आयु में आती है। तो आयु खंड के बारे में आप जानना चाहते हैं, एज के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे देखते हैं कि किसी की दीर्घायु कैटेगरी में कोई है इंसान, या कोई मध्य आयु कैटेगरी में है, या कोई अल्प आयु कैटेगरी में है। तो शॉर्टकट में आप इसको दमा लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाएगा। तो दमा दीर्घायु, मध्य आयु और अल्प आयु। और क्या इन आयु का खंड होता है उसको समझिए। दीर्घायु की कैटेगरी में हम इंसान को देखते हैं 70 साल से, जब वह ज़्यादा जीवन जीते हैं तो वह दीर्घायु में काउंट किए जाते हैं। और दीर्घायु के भी बहुत सारे सब कैटेगरी हैं, वो आगे वाले वीडियो में हम इसका पूरा चार्ट देखेंगे कि जो आयु निकालते हैं उसके दो खंड क्या हैं। देखिए, एक तो आयु योगा आयु से निकाला जाता है और दशा आयु से, तो ये हम आगे बात करेंगे। तो आज सिंपल सिंपल आप समझिए किस कैटेगरी में आप बिलोंग कर सकते हैं और कैसे आप देखते हैं, और ये पार्ट वन है इसका। चलिए, मध्य आयु के केस में जो हम एज देखते हैं वो हम 70 साल के आसपास देखते हैं। कहने का मतलब 33 साल से लेकर 66 साल तक की एज और 70 साल अप टू, यह आपकी मध्य आयु में एज काउंट होती है। और ये सारा आप अपने लग्न चार्ट से देख सकते हैं, लग्न चार्ट से एनालिसिस कर सकते हैं। और जो अल्प आयु होती है, जो अल्प आयु का खंड होता है, वो 0 से 32 साल के बीच में होती है। अब ये जितने भी खंड हैं, मध्य आयु, दीर्घायु और अल्पायु, इनके सब खंड भी होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कोई इंसान 1 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है, कोई 32 साल के बाद, कोई अकाल मृत्यु, तो वो क्यों होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे यह योगा खंड बताते हैं। और याद रखिए, जो आपके पूर्व जन्म के जो आपके कर्म फल होते हैं, यही हमारे लाइफ साइकिल को डिटरमाइन करते हैं। हमारे जो पास्ट कर्म हैं वो हमारी लॉन्गिटिविटी डिसाइड करते हैं कि हम दीर्घायु, मध्य आयु या अल्प आयु कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। इस चीज़ को मैं आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। तो आपको पता है कि जो राशियाँ होती हैं, मेरी बात को नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके काम में आने वाली हैं, इन्हीं के आधार पर आप आगे अंत में कंक्लूजन निकालेंगे। तो जो आपको पता है राशियाँ होती हैं, एक होती है चर राशियाँ। आपको पता है चर राशि कौन कौन सी होती है? 1, 4, 7 और 10 नंबर की जो लग्न होगा, जो राशि होगी, वह जो होता है आपका चर राशि होती है। उसके बाद द्वि स्वभाव राशियाँ आ जाती हैं, जुपिटर और बुध की, इसमें से 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, यह द्वि स्वभाव राशियाँ हैं। उसके बाद अंत में आती हैं स्थिर राशि। स्थिर राशि में 2, 5, 8, 11। कहने का मतलब, आपके लग्न में इनमें से कौन सा नंबर लिखा हुआ है वह आपकी बताएगा कि आप चर राशि में हैं, द्वि स्वभाव राशि में हैं, या फिर आप स्थिर राशि में हैं। तो यह चीज़ भी आपने नोट कर ली होगी। चलिए, अब आगे चलते हैं। इससे पहले, अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप हमारी ज्योतिष घर वैदा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारी वेबसाइट से चेक इन कर सकते हैं। साथ ही साथ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ये समस्या होती है कि हमें पता ही लगता कि लेटेस्ट वीडियो कब आती हैं। तो यह कार्य आप करेंगे तो आप ज्योतिष घर पर हमेशा ऐसे टॉपिक पाएंगे जो आप ढूंढते होंगे, जो आपके दिल और जिगर में रहती होगी। चलिए, यह चीज़ आपने नोट कर लिया। अब तक आपने देख लिया कितने खंड होते हैं और कौन कौन सी राशियां होती है। अब क्या करना है, जो टॉपिक जिसका आप वेट कर रहे हैं, आपको फोकस करना है कि अपने लग्न को, लग्न और आपका अष्टम भाव। अष्टम भाव जो होता है, 8th हाउस जो होता है, ये हमारे ओकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मृत्यु का भाव होता है। और यह जो लग्न होता है, आपके जीवन का भाव होता है, आपके शरीर का भाव होता है। इस 2 नंबर को नोट कर लिया, ठीक है जी। अब हम सीधे सीधे दीर्घायु को यहाँ पे एरो खींच लेते हैं, मध्य आयु को यहाँ खींच लेते हैं, और अल्प आयु को यहाँ पे कैटेगरी कर लेते हैं। और इस कैटेगरी का मैं यह पहला हिस्सा बताऊँगा, वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। तो पहले हिस्से में क्या देखना है, आपने यहाँ पर लिख लेना लग्न, और फिर आपने नीचे लिख लेना है 8th हाउस, इस तरीके से लिख लेना है। ये पराश्री का सिद्धांत है जो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, चार्ट ग्राफिक वाइज।
तो अगर आपके लग्न में चर राशि पड़ी हुई है, मतलब 1, 4, 7, 10 में से कोई नंबर यहाँ पे लिखा हो, और इनमें से 1, 4, 7, 10 में से कोई नंबर आपके 8th हाउस में लिखा हो, तो आप कैटेगरी 1 फॉलो करते हैं, दीर्घायु की कैटेगरी में आ जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मध्य आयु की। अगर सेम इसी तरीके से, अगर आपके, इसको नोट कर लिए, बिल्कुल इसी तरीके से द्वि स्वभाव राशि, मतलब कि 3 नंबर 9 नंबर, इसको नोट के लिए 6 नंबर और 12 नंबर, या तो इन 4 में से कोई एक नंबर यहाँ पे लिखा हो, या फिर इन 4 में से एक नंबर आपके 8th हाउस में लिखा हो, तो आप मध्य आयु कैटेगरी को फॉलो करते हैं। नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास मैंने क्या बताया था, 2, 5, 8 और 11, तो यह नंबर की राशियां, अगर इस नंबर का नंबर आपके लग्न में लिखा हुआ है और इनमें से ही नंबर आपके लग्न में लिखा, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ यही बता रहा हूँ कि चर, स्थिर और आपका द्वि स्वभाव, अगर दोनों एक ही नंबर में लिखा हो, एक ही में लिखा हो, अभी यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि अगर एक चर हो जाए, दूसरी द्वि स्वभाव हो जाए या फिर स्थिर हो जाए तो क्या प्रभाव होने वाला है, उसके लिए आप अगली पार्ट का वेट कीजिए। तो अगर 2, 5, 8, 11 आपके लग्न में लिखा हो और अष्टम भाव में लिखा हो, तो यह एक कैटेगरी होती है अल्प आयु की कैटेगरी में। तो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ अध्याय एक है, पार्ट एक है, पार्ट टू में हम इसको और विस्तार से देखेंगे, वहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ ये सिंपल लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट टू में हम बात करेंगे, अगर स्टेटस चेंज हो जाए, लग्न और अष्टम भाव में एक चर राशि हो जाए और एक द्वि स्वभाव राशि हो जाए, तो क्या आपकी एज पर प्रभाव पड़ने वाला है। अंत में जाते जाते आपको सब कमेंट से बचना है, हमारी तरफ से कोई भी कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है, और जो आप पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं वहाँ पे अगर एरर आपकी तरफ से है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, अगर हमारी तरफ से कोई गलती है तो हम उसे यथाशीघ्र ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो पहले कंफर्म हो जाए तभी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आए, और प्री एनालिसिस चाहिए तो अपना चार्ट, विमशोत्री दशा, एक क्वेश्चन आप इन मीडियम पे शेयर कर सकते हैं, और 60 दिन का आपको इंतज़ार करना होगा अपने टर्म का। तो आज यहाँ पे इजाज़त दीजिए, जय शनि।